कानपुर के शास्त्री नगर स्थित छोटा सेंट्रल पार्क में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ द्वारा स्थापित हिंदू राष्ट्रीय शक्ति नामक सामाजिक संगठन की प्रथम मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संगठन की रूपरेखा व विस्तार की योजनाओं के विषय में विचार विमर्श किया गया और अप्रैल माह में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का कानपुर में होने वाले आयोजन की रूपरेखा भी सुनिश्चित की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि अभी इस संगठन को कुछ ही समय हुआ है, इतने कम समय में भी इस संगठन में लाखों लोग जुड़ चुके हैं। इस संगठन में महिलाओं ने भी अधिक संख्या में अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष आशीष गुप्ता, जिला अध्यक्ष युवा रजत यादव, जिला प्रभारी कुमार प्रीत पांडे, जिला सूचना प्रमुख सुधीर सिंह, जिला संगठन मंत्री युवा दिलीप कुमार वर्मा, जिला सचिव गोपाल गोस्वामी, जिला विधिक सलाहकार अभिषेक मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता अमित ठाकुर की खास रिपोर्ट। संगठन का क्या कार्यक्रम था और कौन सी बैठक हुई है, संक्षिप्त में बताएं। हिंदू राज्य शक्ति की आज ये बैठक है, मासिक बैठक है। ये संगठन अभी 2 महीने पहले शुरू हुआ है, इसका कार्य पूरे देश में चल रहा है। सब लोग जानते हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी इनके संस्थापक हैं, जो हिंदूवादी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उसी का संगठन का कार्य चल रहा है। कानपुर की ये पहली मासिक बैठक है। संगठन किस तरीके से क्षेत्र में क्या कार्य करती है और किस तरीके से लोगों को जागरूक करती है? संगठन का कार्य, पुष्पेंद्र जी का कार्य, हमारे जो संस्थापक हैं, कार्य ये है कि हिंदुओं को जगाना, हिंदू हित के लिए काम करना, हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना देश में, उसी कार्य पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस संगठन का विस्तार होता चला जा रहा है। महिलाओं का भी संगठन है, युवा का भी संगठन है, मुख्य का भी संगठन है। महिलाएं भी बहुत तेज जुड़ रही हमारे साथ में आ रही है। आज तो 2.5 लाख कार्यकर्ता 1.5 से 2 महीने के अंदर